तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ निवेदिता। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल की नान खटाई, वो भी ओटीजी में। तो आइए ये मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई को हम बनाना सीखते हैं। तो स्वागत है आपका लीशियस भवा किचन में। इस बेकरी स्टाइल नान खटाई को बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप घी, वो भी बिल्कुल मेल्टेड नहीं होना चाहिए, दानेदार घी होनी चाहिए। 1 कप पाउडर शुगर लेंगे हम और इसको 10 मिनट्स के लिए विस्कर की हेल्प से विस्क करेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ना बदल जाए ऑफ वाइट कलर का। फिर हम इसे बाउल को जब उल्टा करके देखेंगे तो इसमें से वो क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम इस टेक्स्चर का होना चाहिए ऑफ वाइट कलर का। फिर हम इसमें मिलाएंगे 1 कप मैदा, 1/2 कप बेसन और इसको हम छन्नी की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे, बिकॉज इसमें कुछ भी लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्स होगा तो हमारा डो जो है जब हम नान खटाई बनाएंगे तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून सूजी डाल लिया, सूजी फाइन होगी तो बहुत अच्छा होगा। अब इसको इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर और स्पैचुला के हेल्प से इसको कट एंड फोल्ड मेथड से सबको बिल्कुल मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ध्यान रहे बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बेकिंग सोडा का टेस्ट हमारे मुँह में ज़्यादा आएगा। फिर हम इसे बिल्कुल मिला करके एक आटे की तरह डो तैयार कर लेंगे इसका इस तरीके से, और इसको सेट होने के लिए हम फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हम बेकिंग पेपर को ट्रे पर लाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऑडी का इकोबेक बेकिंग पेपर यूज़ किया है। फिर हम इस नान खटाई को रोल लोई, जैसे रोटी की लोइयाँ बनती हैं उस तरीके से बना करके बेकिंग पेपर के ऊपर रख देंगे, और इस पर मैंने ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपने ओटीजी को प्रीहीट कर लेंगे फॉर 10 मिनट्स 170 डिग्री पे। अब उसके बाद हम ओटीजी में इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे ऊपर नीचे दोनों की रॉड ऑन करके पका लेंगे, कुक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बाहर निकालेंगे ठंडा होने के लिए। हाँ, ध्यान रहे कि बिल्कुल ठंडा हो जाने पे नान खटाई को बटर पेपर के ऊपर से नहीं हटाना है, वरना ये स्टिक हो जाएगा बटर पेपर पे। जब भी वो हल्का गर्म रहे तभी इसको हटा लेना है बटर पेपर के ऊपर से। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना, अगर आप फ्रिज में रखोगे तो नान खटाई सॉगी हो जाएगा। तो इसे रूम टेम्परेचर पर ही बाहर ठंडा करें तो ये बिल्कुल क्रंची नान खटाई बन के रेडी होगी, जो खाते ही मुँह में घुल जाएगी। आपको बेकरी से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इजी मेथड से कुछ ही स्टेप्स में घर पे बन जाने वाली नान खटाई है। अगर आपको कढ़ाई में भी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।